नारी शक्ति देश की शक्ति संकल्प को लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लगातार काम कर रही है। इसी का परिणाम है कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में बराबर की भागीदारी निभा रही हैं। वर्ष 2014 से पहले देश में महिला कल्याण से जुड़ी सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों में ही चलती थीं और योजनाओं का लाभ वास्तविक तौर पर महिलाओं को नहीं मिल पाता था। वर्ष 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की। साथियों, आज बदलते हुए भारत में देश की बहन बेटियों के पास भी आगे बढ़ने के अवसर बढ़ रहे हैं। घर, शौचालय, बिजली, पानी, गैस जैसी सुविधाओं से सभी बहनों को जोड़ा जा रहा है। बहनों बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और दूसरी जरूरतों पर भी सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। इससे ना सिर्फ महिलाओं की गरिमा बढ़ी है बल्कि बेटियों बहनों का आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मातृ वंदना योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, समर्थ योजना, पोषण अभियान, दीन दयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महिला स्वयं सहायता समूह, मुद्रा योजना एवं स्टैंड अप इंडिया योजना से करोड़ों महिलाओं को जोड़ा। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में पूर्णतया असुरक्षा का माहौल था। प्रदेश महिला अपराधों में अव्वल था और महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर थीं। 2017 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले महिला अपराधों पर रोक लगाने के लिए कड़े फैसले लिए। मुख्यमंत्री जी का मानना है कि महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे पहले जरूरी है उनमें सुरक्षा की भावना जागृत करना। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को पूरा करने के लिए उन्होंने प्रदेश में मिशन शक्ति की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर प्रदेश के विकास में बराबर की भागीदारी निभाने के अवसर उपलब्ध करना, जिसने करोड़ों महिलाओं को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं एवं रोजगार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और महिलाओं को और अधिक जागरूक बनाया है। मिशन शक्ति की सफलता की कहानी प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण पेश कर रही है। महिलाओं संबंधी मामलों को तीव्र गति से निपटाकर न्याय दिलाने के लिए महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, महिला हेल्प डेस्क एवं शक्ति मोबाइल का गठन किया गया। उसी का परिणाम है कि आज महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में कमी आई है। महिलाओं, गर्भवती स्त्रियों और माताओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए योजनाएं चलाई। 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार स्व उद्यम से जोड़ा तथा 1.5 लाख महिलाओं को सरकारी नौकरी दी गई। महिलाओं को स्वच्छ परिवेश देने के लिए हजारों पिंक शौचालयों का निर्माण कराया गया। ऑपरेशन सहारा के अंतर्गत निराश्रित वृद्धाओं को आश्रय स्थल दिए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 2.25 लाख से अधिक कन्याओं का विवाह कराया। प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैंकिंग सखी योजना की शुरुआत की। आज प्रदेश के हर गांव में घर बैठे बैंक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 56,875 बैंकिंग सखी कार्यरत हैं। साथ ही गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, किशोरियों तथा बच्चों को प्रोटीन, विटामिन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए टेक होम राशन प्लांट्स का निर्माण कराया जा रहा है, जहाँ पुष्टाहार बनाने का काम महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जाएगा। बालिकाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को मजबूत कर उनकी बेहतर परवरिश के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलाई जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है, जिनकी देखभाल व रख रखाव के लिए महिला सफाई कर्मियों की नियुक्ति की गई है। आज फर्क साफ है कि उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण सिर्फ बात नहीं, प्रदेश की महिलाएं निर्भीक होकर आगे बढ़ रही हैं और प्रदेश के विकास में योगदान दे रही हैं। आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में आज माननीय प्रधानमंत्री जी 1,60,000 स्वयं सहायता समूहों के खाते में 1,000 करोड़ रुपए तथा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 1,00,000 नई लाभार्थियों को 20 करोड़ 20 लाख का हस्तांतरण और 202 टेक होम राशन प्लांट्स का शिलान्यास कर रहे हैं। प्रदेश के विकास में महिलाओं की सहभागिता दर्शाती है कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में महिलाओं का विश्वास बढ़ रहा है।
महिलाओं में नेतृत्व क्षमताओं का विकास हो रहा है एवं उनके लिए एक सुरक्षित और सशक्त समाज का निर्माण हो रहा है। सोच ईमानदार, काम दमदार।